हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 10 करेंगे, विच इज़ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। लास्ट क्लास में यानी कि लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स क्लियर करे थे, जो कि इमेजेस ऑन प्लेन मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स, उनके दो टाइप्स कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स मिरर, उनके रे डायग्राम और दोनों मिरर्स के यूजेस, हमने ये किया था। और उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने किया था, जो कि था रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। आर मीन्स सेंटर ऑफ या रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड एफ मीन्स फोकल लेंथ। तो उसका ये रिलेशन था आर इज इक्वल टू 2f। और ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी एक बार शो किया था, तो अगेन इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम। सबसे पहले हम रूल्स पढ़ेंगे, उसके बाद में रे डायग्राम्स को कैसे बनाया जाता है ये करेंगे। तो जो रे डायग्राम हमारे रूल्स हैं वो दो मिरर्स के लिए हैं, फर्स्ट वन इज कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव मिरर। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में जब कभी भी मिरर की बात करेंगे तो हम दो मिरर्स को मेनली पढ़ने वाले हैं, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। एंड लेंस की बात करेंगे तब भी हम इन्हीं दो को पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। सो रूल्स, फर्स्ट रूल है कॉन्केव मिरर के लिए, अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब इसमें देखिए, सबसे पहले प्रिंसिपल क्या होता है, जो एक लाइन है जिसमें सी और एफ दोनों लाई करते हैं या इन दोनों को क्रॉस करते हुए जो लाइन जाती है उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इसे पी से डिनोट किया जाता है। जो मिरर के लास्ट, फर्स्ट और लास्ट एंड पे जो पॉइंट्स होते हैं उन्हें हम एम और एन पॉइंट कहते हैं। अब इस सेंटेंस को पढ़िए, इसमें लिखा है रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मीन्स कि ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है और यहाँ से जो रे आ रही है वो पैरेलल है। अब जब ये रे पैरेलल सरफेस पे, मिरर के सरफेस पे रिफ्लेक्ट करेगी तो ये वापस इस पाथ पर आएगी। देन पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, मीन्स कि ये लाइन, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके एक पैरेलल रे ये है, तो इसने जब रिफ्लेक्ट किया ये यहाँ पे गई, और सेम जब नीचे ये जो लाइन है यहाँ से जब इसने रिफ्लेक्ट किया तो यहाँ पे। अब ये दोनों लाइंस रिफ्लेक्शन के बाद इस पॉइंट पर मीट कर रही हैं जिसे हम फोकस कहते हैं। सो ये आपका फर्स्ट रूल था। नाउ सेकेंड रूल इज अ रे इंसिडेंट थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब डायग्राम में देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ से जो रे इंसिडेंट करेगी ये आपकी रे है, जब ये रिफ्लेक्ट करेगी तो इट मीन्स कि यहाँ से इसने रिफ्लेक्ट किया तो ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगी। इट मीन्स कि अगर आप एक रे देखते हैं जो कि इंसिडेंट करती है किसी भी फोकस से, तो जब हम इंसिडेंट की बात करते हैं तो मीन्स कि आपकी रे ऐसे जाएगी, अगर पैरेलल होता तो रे ऐसे जाती। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे मीन्स कि जो रे है वो यहाँ से पॉइंट से स्टार्ट करेगी और यहाँ से इसने पैरेलल किया, तो रिफ्लेक्शन, जब ये रे यहाँ से इसने मिरर पे स्ट्राइक किया तो यहाँ से इसने अपना पाथ चेंज किया और ये रिफ्लेक्ट हुई यहाँ पे सामने। तो आप देखिए, जब रिफ्लेक्शन हुआ तो उसके बाद में ये रे हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आ गई। तो ये था आपका सेकेंड रूल। नाउ थर्ड रूल, और अगर आपको ये वीडियो के नोट चाहिए तो आपको PDF में नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अभी तक हमने जितने भी वीडियोस बनाई है उनमें जितना भी कुछ मैंने वीडियोस में डिस्कस किया है उन सब के नोट्स आपको PDF में मिल जाएंगे। सो थर्ड रूल इज़ रे पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज़ रिफ्लेक्टेड बैक ऑन द सेम पाथ। अब देखिए, इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट मीन्स कि सी से, कोई भी रे जब सी से पाथ पास आउट करेगी और मिरर पे रिफ्लेक्ट करेगी तो वापस वो सेम पाथ पर आएगी। ये जो मैंने दो लाइन्स इसमें बनाई हुई हैं, फर्स्ट लाइन इज़ पूरी डार्क जो लाइन है वो, एंड सेकेंड वन इज़ जो ये डॉटेड लाइन है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइट आई, यानी कि एक रे आई, उसने रिफ्लेक्ट किया तो वो वापस सेम पाथ पर चली गई, जो डॉटेड लाइन है वो सेम पाथ पर रिफ्लेक्शन शो कर रही है। सो थर्ड लॉ इज रे पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक ऑन द सेम पाथ। नाउ फोर्थ वन इज रे इंसिडेंट ऑन पोल इज रिफ्लेक्टेड मेकिंग इक्वल एंगल। अब जो हमारी रे इंसिडेंट करेगी पोल पर, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है,
सी और एफ पी, जब भी कभी प्रिंसिपल एक्सेस की अगर हम बात करते हैं तो हमें सी और एफ पॉइंट्स को लिखना मैंडेटरी है, क्योंकि बिना इसके प्रिंसिपल एक्सेस नहीं होते हैं। सो ये आपका पोल, यहाँ पे एक रे इंसिडेंट, वन बाय वन समझिए, यहाँ पे रे ने इंसिडेंट किया, मिरर है, स्ट्राइक करेगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट करके वो नीचे की साइड आ गई, तो जो एंगल बनेगा वो इक्वल होगा। ये हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था कि नॉर्मल पे प्लेन जब परपेंडिकुलर होता है, प्लेन एंगल पे नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है, तो हमारे दो एंगल्स बनते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो हमारी दो रेज से आए थे, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो सेम ऐसा ही कुछ इसमें होगा कि फर्स्ट जब रे इंसिडेंट करेगी पोल पर, इंसिडेंट रे जब यहाँ पे आती है, स्ट्राइक करती है, वो वापस से रिफ्लेक्ट करती है, तो हमारे दो एंगल्स आए, एंगल आई एंड एंगल आर। सो ये आपके फोर लॉज थे। अब इन लॉज के बेसिस पे हम नीचे रे डायग्राम बनाएंगे। ये लॉज आपको क्लियर होने इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि जब हम रे डायग्राम बनाएंगे तो इसमें इसका यूज़ होगा। सो अब देखिए, रे डायग्राम फॉर इमेजेस फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर, अभी जो हमने लॉज पढ़े थे उन्हीं के बेसिस पे हम इसमें रे डायग्राम बनाएंगे। हमारे पास टोटल 6 केसेस होते हैं। सो फर्स्ट वन इज, ये टॉपिक जो रे डायग्राम है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आपके सीबीएसई में डेफिनेटली आते ही आते हैं। सो फर्स्ट वन इज, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, जब कभी भी हम किसी ऑब्जेक्ट की इन्फिनिटी पे बात करते हैं तो इट मीन्स कि हमें नहीं पता कि वो कहाँ तक जाने वाला है, तो इन्फिनिटी जिसका कोई एंड नहीं होता है, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, अब आप यहाँ पे देखिए, ये मैंने मिरर बना दिया है, ये पी एम और एन कर्वेचर पॉइंट, देन सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ फोकस। अब यहाँ से जब हमने इन्फिनिटी की बात करी तो अब यहाँ देखिए एंड में यहाँ पे कहीं पे भी ये लाइंस कोई भी मीट नहीं कर रही है। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में दो लाइंस, नीचे भी सेम, जब इन्होंने मिरर पे स्ट्राइक किया तो यहाँ से इन्होंने रिफ्लेक्ट, जब पहली वाली रे रिफ्लेक्ट करेगी तो वो इधर, देन सेकेंड रे का रिफ्लेक्शन, फिर यहाँ नीचे से रिफ्लेक्शन दोनों रेज का। फिर हमने इसमें देखा कि ये चारों रेज जब मिरर पे से रिफ्लेक्ट करती हैं तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर मिलती हैं जिसको हमने एफ नाम दिया। जहाँ कहीं पर भी ये आके मीट करती हैं तो इमेज वहाँ पे बनेगी, तो इस जगह पे इमेज यहाँ बन रही है और इसको कहते हैं एफ पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे इमेज की प्रॉपर्टी है, अब जो हमने इसमें मिरर का पढ़ा, जो रे डायग्राम देखी, अब इसकी प्रॉपर्टीज देखिए। इमेज, अगर इमेज की बात करें तो उसकी पोजीशन होगी एफ पर, यहाँ पे हमने देखा जहाँ पे सारी पॉइंट्स मीट करे वहाँ पर एफ हमने मार्क कर दिया, तो पोजीशन ऑफ इमेज एट एफ। नेचर रियल भी होगा और इन्वर्टेड होगा। नेक्स्ट इज साइज, वो पॉइंट साइज, जितने साइज के आपको यहाँ पे इमेज दिख रही है बिल्कुल डॉटेड साइज की, इतनी ही इमेज हमें मिलेगी। सेकेंड वन इज, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, तो आप देखिए ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, सबसे पहले आपने सेम लाइन ड्रॉ करी, सी और एफ पॉइंट्स को मार्क किया पी पोल पर, अब बोला गया है ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, तो यहाँ पे हमारा सी है और ऑब्जेक्ट इसके पीछे होगा, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ से रे गई और मिरर पे स्ट्राइक किया, देन यहाँ से इसने रिफ्लेक्ट किया, ये हो गई आपकी फर्स्ट सिचुएशन। सेकेंड वन इज, यहाँ से ऑब्जेक्ट, यही सेम ऑब्जेक्ट से मिरर इमेज नीचे की साइड गई, लेकिन वो जब बाउंस बैक करेगी या रिफ्लेक्ट करेगी तो वो सेम पाथ पर करेगी। अब जब दोनों ने वापस आते वक्त जिस पॉइंट पर वो मिली तो उसे हमने इमेज का नाम दिया, यहाँ पे ये पॉइंट मीट करेगा आपका। तो अब इसमें देखिए पोजीशन बिटवीन एफ एंड सी, ये हमारा सी पॉइंट है और ये हमारा एफ पॉइंट, तो जो हमारी इमेज बनेगी वो ये बनेगी। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, तो ये इमेज भी आपकी उल्टी ही बनेगी, देन साइज इसका स्मॉल साइज होगा। अब नेक्स्ट है हमारा व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी, अगर हम ऑब्जेक्ट को सी पे प्लेस करते हैं तो इमेज कहाँ बनेगी। अब देखिए ये सी एफ एंड पी सेम, देन यहाँ पे ऑब्जेक्ट सी पर है, यहाँ से रे गई और इसने रिफ्लेक्ट किया तो ये रे वापस आई। अब जब यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ तो इसने एक पॉइंट पर क्रॉस किया, अब सेम यहाँ पे हमारी रे गई तो वो सेम पाथ पर आएगी। तो ये दोनों केसेस में आपने देखा कि ये एफ पॉइंट पर क्रॉस किया है, लेकिन ये जो आपकी इमेज यहाँ पे बन रही है वो यहाँ नहीं मानेंगे हम, क्योंकि इसमें जो रिफ्लेक्शन हुआ जब ये पॉइंट यहाँ से गया, लेकिन इसका रिफ्लेक्शन नीचे की साइड से होगा,
तो ये रे वापस सेम पाथ पर ना जाके यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी। जब ये यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी और ऊपर वाली रे यहाँ से आ रही है, तो इसका पॉइंट हमने देखा ये यहाँ पे कहीं पे मीट कर रही है, और वो सेम पॉइंट था जहाँ से हमने ऑब्जेक्ट को स्टार्ट किया था या ऑब्जेक्ट को जहाँ पे रखा था, तो वो सी पर। तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी? सी पर। अब देखिए इमेज की पोजिशन एट सी, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, साइज आपका सेम साइज। सेम साइज का मतलब जितना साइज ऑब्जेक्ट का होगा उतनी ही आपकी इमेज बनेगी, क्योंकि उसके जस्ट नीचे आपकी इमेज यहाँ पे बनेगी। देन नेक्स्ट इज व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। अब किसी ऑब्जेक्ट को हम सी और एफ के बीच में रखते हैं, तो यहाँ पे हमने कहीं पे ऑब्जेक्ट को रखा, देन इस रे पास करी, मिरर से स्ट्राइक करके वो रिफ्लेक्ट करती है। ये आपकी पहली सिचुएशन हो गई। उसके बाद में हमने यहाँ से सी से एक रे को इंसिडेंट करवाया, वो सेम पाथ पर वापस आएगी। जो डॉटेड लाइन है इसका मतलब ये होता है कि रे सेम पाथ से वापस आ रही है। तो हमने देखा ये दोनों रेज एक पॉइंट पर आके मिल रही हैं, और उसे हमने बोला कि यहाँ पे हमारी इमेज बनेगी। तो आप देखिए यहाँ पे सी के पीछे कहीं पे इमेज बन रही है, तो आप पोजीशन इमेज की कहाँ होगी? बियॉन्ड सी, आप देख सकते हैं यहाँ पे। देन नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, एंड साइज इसका एनलार्ज होगा, क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट है और बहुत छोटे साइज का ऑब्जेक्ट दिख रहा है, और जो इमेज है वो हमारी काफ़ी ज़्यादा बड़ी बन रही है, तो इसका साइज एनलार्ज होगा। देन नेक्स्ट इज व्हेन ऑब्जेक्ट एट एफ। अगर ऑब्जेक्ट को एफ पर प्लेस करते हैं, एफ मीन्स फोकस पे या फोकल, अब यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट एफ पर है, यहाँ से रे गई, इसने रिफ्लेक्ट किया, तो ये सिचुएशन आई। देन सी से हमारी एक रे गई, सेम पाथ पे उसने रिफ्लेक्ट किया, तो ये डॉटेड लाइन आपको दिख रही होगी। तो अब आप देखेंगे कि ये दोनों लाइंस जो रिफ्लेक्शन हुआ इनमें, इसके बाद में ये कहीं पर भी मीट नहीं कर रही हैं। तो जब तक मीट नहीं करेंगी तो इमेज कहाँ बनेगी हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते हैं। सो जो पोजीशन है वो इन्फिनिटी होगी, क्योंकि कहाँ जाके मीट करने वाली हमें नहीं आइडिया। देन नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड इसलिए, अगर इन्वर्टेड की बात करें तो हमें इतना पता है कि ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, तो कहीं भी जाके मिले, लेकिन बनेगी वो नीचे ही, तो रियल एंड इन्वर्टेड। इसके बाद में इसका साइज हाईली इनलार्ज्ड, क्योंकि हमें नहीं पता इमेज कहाँ जाके मिलने वाली है, क्योंकि इसकी पोजीशन इन्फिनिटी है, तो इसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है। देन लास्ट वन इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ। अब ऑब्जेक्ट को पी और एफ के बीच में रखते हैं, पी मीन्स पोल एंड एफ यहाँ पर है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा। सो यहाँ से एक रे गई और उसका रिफ्लेक्शन हुआ ये, देन सी से एक रे को इंसिडेंट करवाया, उसका रिफ्लेक्शन सेम पाथ पर हुआ। ये हमने लॉज में पढ़ा था, इसीलिए मैंने आपको पहले लॉज पढ़ाए थे, ताकि आपको ये जब हम रे डायग्राम बनाएं तो प्रॉब्लम ना आए। अब आप देखिए थोड़ा थोड़ा आगे आके ये रेस का जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है, तो इसमें भी सेम इन्फिनिटी वाली सिचुएशन कह सकते हैं थे, लेकिन यहाँ पे जो साइज है वो बढ़ता जा रहा है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि इसमें इमेज इन्फिनिटी भी बनेगी। अब हमें इमेज तो चाहिए होगी, तो हमने क्या किया, जो हमारी रेस थी जो हमने इंसिडेंट करवाई थी, इन दोनों रेस को जो नीचे रिफ्लेक्ट हो रही थी वो वाली रे, और जो सी से इंसिडेंट होते हुए आ थी, इन दोनों रेस को हमने आगे जाके मिरर के पीछे इनको इमेजिनरी लाइन से इंक्रीज करवा दिया। जब हमने इनको इमेजिनरी लाइन से आगे बढ़ाया, तो वी कैन सी कि ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके मिल रही हैं, और उस पॉइंट को हमने मार्क कर दिया कि इमेज हमारी यहाँ बनेगी। सो इसमें इमेज आपकी पोजीशन कहाँ होगी? बिहाइंड मिरर, ये हमारा मिरर है, इसके पीछे इमेज बनेगी। नेक्स्ट नेचर की बात करें तो वर्चुअल और इरेक्ट होगा, और साइज इसका एनलार्ज्ड होगा। ये पॉइंट व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक हमने जो 6 रे डायग्राम्स पढ़े उनमें से सिर्फ यही एक पॉइंट था जिसमें नेचर इमेज का वर्चुअल एंड इरेक्ट था, अदरवाइज अभी तक सारी इमेजेस रियल एंड इन्वर्टेड हम पढ़ रहे थे। देखिए यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड, इसलिए ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें देखिएगा कि इमेज जो आपकी पोजिशन की बात करेंगे तो वो बिहाइंड द मिरर होगी। सो इस वीडियो में हमने रे डायग्राम पढ़े हैं, अभी सिर्फ हमने कॉन्केव मिरर के पढ़े हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड स्टे ट्यून विद आवर चैनल फॉर मोर वीडियो।